नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला घर और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गोदरेज गोल्फ लिंक ग्रेट नोएडा के ये आउटस्टैंडिंग विलाज जो बने हुए हैं 300 स्क्वायर यार्ड्स में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वेल, घर में एंटर करते ही हम आते हैं इस बड़ी सी फॉयर एरिया में। एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है फर्स्ट बेडरूम। आइए आपको दिखाऊं। ग्राउंड फ्लोर से ही एंटर करते ही हम आते हैं इस फर्स्ट बेडरूम में जो बना हुआ है 14.5 by 12 feet में। आप इसे अपने घर के गेस्ट्स के लिए डेकोर कर सकते हैं। इस जगह आप एक बड़ा सा कारपेट विद अ किंग साइज बेड एंड लग्जरियस साइड टेबल्स विद एस्थेटिक लैंप्स डेकोर करके इस रूम को और खूबसूरत बना सकते हैं। पीछे वाली वॉल पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एस्थेटिक फ्रेम्स डेकोर किए गए हैं। इस रूम के साथ आपको मिलती है एक सेपरेट बालकनी। रूम से अटैच ड्रेसिंग एरिया जो बना हुआ है 6 by 6 feet में। आप इसे अपने हिसाब से कंपोज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप चाहें तो इसे खूब सारी वार्डरोब से डेकोर कर सकते हैं जिसमें आप अपने फेवरेट आउटफिट्स रखेंगे। ये वॉशरूम बना हुआ है 6 by 9 feet में। यहाँ पर आपको सेपरेट शावर एरिया विद अ विंडो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड एडिंग टू द इफेक्ट, आपको यहाँ पर एक सेपरेट प्लेटफॉर्म मिलता है अपने डेली कॉस्मेटिक्स का सामान रखने के लिए। एंड आप यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगवा सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसी के साथ आपको मिलता है एक कॉमन वॉशरूम। यह है ग्राउंड फ्लोर का कॉमन वॉशरूम जो बना हुआ है 6 by 7 feet में। यहाँ पर आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाएंगी विद अ विंडो जो क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प करेगा। एंड आपको यहाँ पर एक सेपरेट प्लेटफॉर्म मिलता है फॉर द कॉस्मेटिक्स एंड जो सामान आप डेली यूज करते हैं उसके लिए। एंड टॉयलेट्रीज के लिए आपको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलती है। तो चलिए अब जाते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, द किचन। यह है ग्राउंड फ्लोर से अटैच्ड किचन जो बना हुआ है 14.7 by 13.7 feet में। इस किचन में आपको ऊपर की तरफ सारी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी। इस जगह आपको चिमनी मिलती है एंड आप यहाँ पर एक गैस स्टोव लगाकर अपनी फैमिली के लिए डिलिशियस डिशेस पका सकते हैं। नीचे की तरफ भी आपको कंप्लीट मॉड्यूलर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही साइड में आपको एक डिश वॉशिंग एरिया भी दिया गया है सो दैट आप यहाँ पर सुकून से यूटेंसिल्स वॉश कर सकें विदाउट बीइंग मेसी विद द कुकिंग। ऑल्सो दूसरी ही साइड पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है स्टोरेज कंपार्टमेंट्स विद अ मॉड्यूलर किचन। एंड आप चाहें तो यहाँ पर अपने ओवन सेट करके अपने फेवरेट केक्स भी बेक कर सकते हैं। ओवरऑल ये किचन देखने में काफ़ी स्पेशियस है और आप इसे डाइनिंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। वेल, ये है आपके विला का लिविंग कम डाइनिंग एरिया जो बना हुआ है 35 by 19 feet में। जी हाँ, ये इतना ह्यूज है। आप चाहें तो यहाँ पर 12 to 14 seater काउच आराम से अरेंज कर सकते हैं विद अ ग्रैंड कारपेट। और तो और, एक बड़ी सी सेंटर टेबल इसे बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करेगी। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ इतना खूबसूरती से इंटीरियर वर्क किया गया है जो एस्थेटिकली देखने में काफ़ी प्लीजिंग लग रहा है। इसी के साथ आपको मिलती है एक सेपरेट बालकनी एंड योर प्राइवेट स्विमिंग पूल। ये है लिविंग एरिया से अटैच द ग्रैंड डाइनिंग एरिया। यहां पर आप 8 to 12 डाइनिंग सीटर टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं जिसमें आप और आपकी पूरी फैमिली बैठ के अपनी फेवरेट कुजीन्स एंजॉय करेंगी। आप चाहें तो पीछे वाली वॉल्स पर कुछ अपनी क्रिएटिविटी लगाकर इसे और स्पार्कल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेयरकेस भी मिलती है, प्लस आपको मिलती है एक सेपरेट आपकी प्राइवेट लिफ्ट जो कि आपको बाकी फ्लोर्स एक्सेस करने में हेल्प करेगी। जी हाँ, तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। तो चलिए अब चलते हैं आपके घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयरकेस से ऊपर आते ही हम आते हैं इस लॉबी कम फैमिली लाउंज एरिया में। ये बना हुआ है 11.5 by 12 feet में। यहाँ पर आप 6 to 7 seater एल शेप्ड कंफर्टेबल काउच अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे आप और आपकी फैमिली बैठकर चिल करेंगे। आइए, इससे अटैच्ड आपको एक बालकनी भी मिलती है। चलिए आपको पहले वो दिखाती हूँ। वेल, इस
एरिया को आप अपने हिसाब से डेकोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे भी काफी खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। आप भी यहाँ पर कुछ इस तरह डिजाइनर मिरर्स लगाकर एंड फ्लावर वासेस इंडो प्लांट्स लगाकर इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम जो बना हुआ है 14.5 by 12 feet में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से सब कुछ बैलेंस किया गया है। दे हैव बैलेंस्ड आउट ऑल दी पेस्टल्स, ग्रे शेड्स एंड दी वाइट शेड्स टुगेदर एंड मेड अ ब्यूटीफुल इंटीरियर। इस जगह आप एक किंग साइज बेड विद साइड टेबल एंड एस्थेटिक लैम्प शेड्स आराम से अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो पीछे वाली वॉल पर फोटो फ्रेम्स भी अरेंज कर सकते हैं। वेल, सामने वाली वॉल पर आप या तो एंटरटेनमेंट यूनिट सेटअप कर सकते हैं और यू कैन अरेंज अ स्टडी टेबल लाइक सो। यहाँ पर आप अपने ऑफिस की मीटिंग्स एंड इसे एज अ होम ऑफिस बेसिकली यूज कर सकते हैं। इसी रूम के साथ अटैच्ड आपको मिलती है एक सेपरेट बालकनी। आइए आपको दिखाती हूँ। ये है 6 by 6 feet में बना हुआ रूम से अटैच ड्रेसिंग एरिया जहां पर आप ढेर सारी वार्डरोब कंपोज करा सकते हैं और आप चाहें तो एक फुल लेंथ मिरर भी यहां पर लगा सकते हैं टू कीप एन आई ऑन योर डेली आउटफिट्स। ये है ड्रेसिंग एरिया से अटैच्ड वॉशरूम जो बना हुआ है 6 by 9 feet में। यहां पर आपको एक सेपरेट शावर एरिया विद अ विंडो प्रोवाइड की जाती है फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। इस वॉशरूम में आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के साथ आपको मिलता है एक सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर योर टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटिक्स। इस वॉशरूम में भी आप एक बड़ा सा मिरर लगवा सकते हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर का सेकेंड बेडरूम जो बना हुआ है 14 by 14 feet में। यहाँ पर आप एक खूबसूरत सा बेड विद साइड टेबल, लैम्प शेड्स एज यूजुअल अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो पीछे वाली वॉल को अपने हिसाब से खूबसूरती से बैलेंस कर सकते हैं विद द वाइट्स एंड ग्रेज, और आप चाहें तो इसे पॉप ऑफ कलर्स देके कलरफुल भी बना सकते हैं। वेल, सामने वाली एरिया की बात की जाए तो आप इसे एज अ एंटरटेनमेंट यूनिट कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर बेडरूम में बैठे बैठे ही अपनी फेवरेट एक्शन मूवीज देखेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अटैच्ड बालकनी। ये है सेकेंड बेडरूम से अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया जहाँ पर आप मल्टीपल वार्डरोब्स अरेंज करके अपने फेवरेट कैजुअल वियर्स एंड पार्टी वियर्स हैंग करेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड वॉशरूम। ये बना हुआ है 6 by 8 feet में। यहाँ पर आपको सेपरेट शावर स्पेस एंड विंडो प्रोवाइड की जाएगी फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। इस वॉशरूम में आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाती है। सेपरेट प्लेटफॉर्म्स फॉर द टॉयलेटरीज एंड द कॉस्मेटिक्स। आप चाहें तो यहाँ पर भी मिरर लगवा सकते हैं। ओवरऑल ये वॉशरूम देखने में काफी एलिगेंट लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज क्लासी वॉल टाइल्स। वेल, ये है द मोस्ट अवेटेड पार्ट, द मास्टर बेडरूम। ये बना हुआ है 14.5 by 17 feet में। यहाँ पर आप एक खूबसूरत सा कार्पेट विद अ किंग साइज बेड, जी हाँ महाराजा साइज बेड विद साइड टेबल्स एंड लैम्प शेड्स शो पीसेस आराम से अरेंज कर सकते हैं। पीछे वाली वॉल पर आप चाहें तो अपने फैमिली फोटोग्राफ्स अरेंज कर सकते हैं जो देखने में एब्सोल्युटली बहुत खूबसूरत लगेंगे। सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर इसे एज अ सिटिंग अरेंजमेंट यूज किया गया है। यहाँ पर आप काउच अरेंज कर सकते हैं एंड अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड बड़ी सी बालकनी। वेल, ये है मास्टर बेडरूम से अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया जहां पर आप खूबसूरत सी अपनी फेवरेट ड्रेसिंग टेबल कंपोज करके लगा सकते हैं एंड यू कैन वॉच ऑन योर डेली आउटफिट्स। इसी के साथ आपको मिलता है सेपरेट वार्डरोब स्पेस। आइए आपको दिखाती हूँ। ये बना हुआ है 8.8 by 12 feet में। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता है फॉर योर कॉस्मेटिक्स एंड सैनिटरीज। साथ ही आप यहाँ पर लगवा सकते हैं एक बड़ा सा ग्रैंड मिरर।
इसी के साथ आपको मिलती हैं यहाँ पर लग्जरियस ब्रांड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज एंड द मोस्ट अवेटेड पार्ट द लग्जरियस बाथ टब. इसी के साथ आपको मिलती है एक बड़ी सी, व्हेन आई से बड़ी सी बिलीव मी दिस इज रियली ह्यूज, आपको इसके साथ ये विंडो मिलती है एंड आपको मिलता है एक सेपरेट शावर स्पेस जिसे आप टफ एंड ग्लास की सेपरेशन करवा सकते हैं. नाउ आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस विला का सेकेंड फ्लोर. चलिए वेल, ये है सेकेंड फ्लोर से अटैच्ड टेरेस. वेल बेसिकली देखा जाए तो ये हर किसी का फेवरेट हिस्सा होता है बिकॉज यहाँ पे आप जितनी चाहे ग्रीनरी भी लगा सकते हैं और चारों तरफ से आपको ताज़ी हवा भी मिलती है. वेल आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली विद द लव्ड वंस यहाँ पर टेरेस पार्टीज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. लॉबी से अटैच्ड आपको ये छोटी सी स्टेयरकेस लेके जाती है टू द पैंट्री. यहाँ पर आपको डिशवॉशिंग एरिया एंड अ प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप छोटे मोटे स्नैक्स ऑफ कोर्स यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं बनाना. इसके साथ आपको मिलती है एक सेपरेट विंडो फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन ताकि ये पैंट्री भी फ्रेश बनी रहे. ये है सेकेंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम जो बना हुआ है 14x12.5 feet में. आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर वर्क डार्क थीम से कितनी खूबसूरती से बैलेंस किया गया है एंड इस रूम को ये देखने में काफ़ी माचो एंड बॉसी लुक दे रहा है. आप चाहें तो ऊपर की तरफ कुछ इस तरह शैंडलियर्स भी लगवा सकते हैं. पीछे की तरफ ये कैबिनेट्स का बुकशेल्फ कंपोज करके अपनी एक होम लाइब्रेरी भी बनवा सकते हैं. ये है इस बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम जो बना हुआ है 6x8 feet में. यहाँ पर भी आपको मिलता है सेपरेट शावर एरिया एंड इस वॉशरूम में आपको मिलती है अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज विद द प्लेटफॉर्म फॉर द टॉयलेटरीज. ओवरऑल ये वॉशरूम भी देखने में काफ़ी स्पेशियस लग रहा है. ये है सेकेंड फ्लोर का सेकेंड बेडरूम जो बना हुआ है 14x14 feet में. यहाँ पर आप एक बिग बेड विथ साइड टेबल एंड लैम्प शेड्स अरेंज कर सकते हैं. पीछे वाली वॉल पर भी आप अपने मन चाहे फोटो फ्रेम्स अरेंज कर सकते हैं. वेल इस एरिया की बात की जाए तो आप यहाँ पर भी एक खूबसूरत सी स्टडी टेबल कंपोज कर सकते हैं जो आपके कमरे की थीम के साथ मैच करेगी एंड इट विल कॉम्प्लीमेंटेड. साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर एक सिटिंग बेंच भी लगवा सकते हैं एंड सामने वाली वॉल पर आप एंटरटेनमेंट यूनिट कंपोज कराइए सो दैट कमरे में बैठे बैठे ही आपको अपनी फेवरेट वेब शोज देखने का मौका मिले. तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड बालकनी. इस बेडरूम के साथ भी आपको मिलता है एक सेपरेट ड्रेसिंग एरिया. यहाँ पर आप मल्टीपल वार्डरोब्स आराम से अरेंज कर सकते हैं. यह है सेपरेट वॉशरूम जो बना हुआ है 6x8.5 feet में. यहाँ पर आपको सेपरेट शावर्स एरिया विद अ विंडो प्रोवाइड की जाती है फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन पर्पस ऑफ कोर्स. इसी के साथ आपको यहाँ पर मिलती है अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज एंड डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज रिस्पेक्टिवली. इस वॉशरूम में भी आप एक बड़ा सा मिरर लगाकर यहाँ पर अपने आउटफिट्स वॉश कर सकते हैं. ओवरऑल ये वॉशरूम देखने में काफ़ी क्लासी लग रहा है इसकी वॉल टाइल्स की वजह से. ये है बेसमेंट का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, द गेमिंग जोन. इसे आप अपने किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट बेसिकली अगर आप इसे एज अ गेमिंग जोन यूज़ करें तो ये देखने में काफ़ी एडवेंचरस लगेगा. ये पूरा एरिया बना हुआ है 20x16 feet में. इस जगह आप एक बड़ी सी क्वीन साइज बिलियर्ड्स टेबल लगा सकते हैं और भी आप चाहें तो यहाँ पर इंडोर गेम्स अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं. ओवरऑल ये एरिया देखने में काफ़ी एक्साइटिंग है. यह 6x6 feet में बना हुआ बेसमेंट में मौजूद पाउडर रूम. यहाँ पर भी आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज मिलती है विद अ प्लेटफॉर्म फॉर द कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज रिस्पेक्टिवली. ओवरऑल ये पाउडर रूम भी देखने में काफ़ी स्पेशियस है. वेल ये है बेसमेंट का एक और रूम जो बना हुआ है 12x18 feet में. आप चाहें तो इसे एज अ होम थिएटर भी यूज़ कर सकते हैं. आप अपनी पूरी ग्रैंड फैमिली के साथ बैठ कर एक बड़े से स्मार्ट टीवी पर अपनी फेवरेट मूवीज एंजॉय कर सकते हैं. ओवरऑल ये रूम देखने में काफ़ी स्पेशियस है एंड यहाँ पर आप और आपकी फैमिली आई एम श्योर काफ़ी एंजॉय करेंगे. जी हाँ, ये था गोदरेज गोल्फ लिंक
ग्रेट नोएडा, एंड यहाँ पर आपको मिलती है स्टैंडर्ड लिविंग। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा स्पोर्ट्स एरिना, स्पा एंड सैलॉन, 9-होल गोल्फ कोर्स एंड इंडोर स्विमिंग पूल विच इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड। तो ये आपकी सारी फैसिलिटीज इस ही विला में प्रोवाइड की जाएंगी। जी हाँ, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर स्कूल हॉस्पिटल, 5 मिनट की दूरी पर मेट्रो स्टेशन, आधे घंटे में रेलवे स्टेशन और 1 घंटे की दूरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दिखाया हुआ ये विला आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी शानदार घर के साथ। देखते रहिए पहला घर।